दिल्ली से सुरिंदर जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो। हेलो हाँ हेलो। जी हाँ जी जी जी, बोलिए। मेरी जी मैं एक साल से छाले पड़ जाते हैं और जगह पे कटी कटी है, तो ठीक है डॉक्टर हकीम साहब से मेरी बात करवा दी। जी, मैं सुन रहा हूँ आपके। हाँ जी, क्या होता मेरा नाम सुरेंद्र है जी और एज मेरी है। हेलो। हाँ जी, जी मैं सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ, मेरा नाम सुरेंद्र है और मेरी एज है 65। और प्रोस्टेट का जो 1 साल पहले मेरा लेजर हुआ था, तो मेरी भीड़ में जब सही कटी कटी हो रही है और छाले पड़ जाते हैं पीठ और में, गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं पीठ में, जीभ में। जीभ में जीभ में। जी। अच्छा, ठीक है हाँ ठीक जी है। हाँ ठीक है, हाँ जी, देखिए ठीक और कटी कटी होती है जी और छाले पड़ जाते हैं। हाँ है ठीक है। जी आप रोजाना हाँ देखिए, जी, एक एक आता है गौन मोरिंगा सफेद। ये तो आपके यहाँ से मंगवा लिया कल मैंने। हाँ हाँ, तो वो आप आधा ग्राम एक टाइम में लें और सुबह शाम लें, ये आपकी इस परेशानी को अच्छा करना मुमकिन है। जी। अगले कॉलर हैं पटना से, राजेश हमारे साथ, स्वागत है राजेश जी। नमस्कार, हकीम हाँ साहब जी बात कर रहे नमस्कार, हैं। आवाज बहुत कम आ रही है, तेज बोलिए। हाँ नमस्कार नमस्कार, पटना से राजेश बोल रहा हूँ मैं। राजेश जी अब भी जी, आवाज बहुत कम आ रही राजेश है, साहब आपकी आवाज़ बहुत ऐसा लग आवाज रहा सही है कि कर रहा बात ना। हेलो सुनो। जी, बोलिए जी, हकीम साहब को नमस्कार। जी। आदाब, कैसे हैं राजेश साहब? अब आई सही आवाज सर आपका आशीर्वाद है जी, आशीर्वाद। जी। हेलो जी, अपना सवाल बताइए, मैं सुन रहा हूँ। सर, ऐसा है सर, मेरा बेटा है 15 साल का, 16 साल का जी, सर। उसको अभी 15 दिन पहले जांच करवाई थी मैंने, तो उसको टीबी की बीमारी निकली है। ठीक है। तो उसका इलाज तो मैं एलोपैथ में करवा रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो उसके आपके माध्यम से, आपके स्तर से भी कोई दवा देनी चाहिए क्या? ठीक है, ज़रूर देनी चाहिए। मैं कहना चाहता था आपसे, बहुत अच्छा किया आपने फ़ोन कर लिया। हाँ देखिए, उसको इम्यूनिटी की दवा दीजिए और सबसे अच्छा इलाज वही है जो आप कर रहे हैं। टीबी का सबसे अच्छा इलाज एलोपैथ में है, लेकिन उसकी दवाओं के नुकसान हमारे जिस्म को रह जाते हैं। और आपने देखा होगा, डॉक्टर कहते हैं कि अंडा खाओ, मछली खाओ, बकरा खाओ और ताकतवर फल खाओ, और इसलिए कहते हैं कि उसके नुकसान को ये चीज़ें खाएगा तो वो झेल लेंगे। ऐसे आदमी में इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी की दवा साथ में दीजिए। इम्यूनिटी की दवा है माजून आर केयर, रोज़ाना 2 टाइम गर्म पानी से दिया करें और 5 बार गर्म पानी पिलाया करें। वो ऐसी सेहत उसकी होगी कि जैसे ये बच्चा टीबी का मरीज ही नहीं था, और ऐसी ग्रोथ होगी। अभी ग्रोथ की उम्र है, और ग्रोथ की उम्र में अगर टीबी हो जाए तो आदमी की जिस्म दब जाता है, जवानी दब जाती है। ये उसकी जवानी को दबने नहीं देगा। ऐसा अच्छा बच्चा सेहतमंद उभर कर आएगा। वो दवा करा लें जो आप कराते हैं, माजून आर केयर, सुबह शाम दें गर्म पानी से, जितना हो सके गर्म पानी पिलाएं, उसका ठीक होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं रतलाम से, संजय हमारे साथ, स्वागत है आपका, हेलो। बोलिए। हाँ मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि हमारे भाई साहब हैं, उनको सिर में वो बाल, मतलब वो टीचे एलोपेशिया हो गया है बाल में, तो बाल भी झड़ रहे हैं, वो टीचे हो रहे हैं सिर में, तो जी, उनके लिए कोई दवाई? एज एज कितनी है उनकी? 40 होगी। हाँ, उनका ख्याल रखें और एक नारियल पानी रोज़ पिलाया करें, उसमें बस उनके लिए ये काफ़ी है। एक नारियल पानी अगर आपको मिलता है रोज़ाना पिलाया करें, वरना आप उन्हें तिल तिल सफ़ेद वाले आधा चम्मच खिलाया करें, अगर नारियल पानी ना मिल सके तो।
जी, तो बिल्कुल दर्शकों देखिए, यही सरल उपाय आप लोगों को यहाँ पे बताए जाते हैं, ये सरल नुस्खे जो सीधा आप लोग जानते हैं हकीम साहब से। तो अगर आप लोग लाइव उनसे बात करना चाहते हैं, नुस्खे बेहतरीन जानना चाहते हैं या फिर यूनानी आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, तो ये मंच आप सभी का स्वागत करता है। दर्शकों अगर बात की जाए अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज की देश भर में है, जिसके फाउंडर प्रमोटर रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो सीधा लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अब अपने सारे रोगों से निजात पानी है, ऑपरेशन नहीं करवाना है, दवाइयाँ नहीं खानी है इतनी सारी जो आपके घर में पड़ी रहती हैं ढेर के ढेर, तो उन सभी दवाइयों से आप लोग निजात पा सकते हैं। दर्शकों फ़ोन उठाइए, क्योंकि अगर आप लोग इन नंबर्स पे कॉल करेंगे तो सीधा आप लोगों की बात होगी हकीम साहब से। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? पानीपत से सुदेश बात कर रहे हैं जी। सुदेश जी बताइए सवाल। मेरा ना आदमी को मतलब पार्किंसन भी है और शुगर भी है, किडनी की दिक्कत भी है। ठीक है, एज बता दीजिए। एज 65 साल है जी। जी ठीक है, देखिए आप अपने आदमी को मूंग की दाल खूब खिलाया करें। मूंग की दाल का खिचड़ी, मूंग की दाल भुनी भी मिलती है, बहुत खूब खिलाया करें, ये बहुत फ़ायदा करती है। और एक सिरका आता है जैतून का सिरका, दिन में एक बार या दो बार 2-3 चम्मच पानी में मिलाकर, 1 गिलास पानी मिलाकर जैतून का सिरका पिलाया करें। उनकी ये डायबिटीज़ भी एक यानी स्तर तक रहेगी और इनके इस मर्ज को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी अगली कॉलर है सविता हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी हेलो। हाँ जी बोलिए, सवाल करिए। जी हमारे गले में दिक्कत है काफ़ी टाइम से, होली के मार्च से करीब। गले में किस तरह की दिक्कत, टॉन्सिल है? पहले नहीं, टॉन्सिल नहीं है, पहले कुछ खत्म सा लगता था, अब तो थोड़ा आराम है, कांटे ऐसे ऐसे चुभते हैं दांतों में। ठीक है जी। हाँ देखिए आपको लगातार 5-6 महीने इलाज करना चाहिए यूनानी का, और तरीका यह है कि घरेलू नुस्खा बता देता हूँ मैं आपको। देखिए लिसोड़ा, उन्नाव, अलसी 100-100 ग्राम लेके पाउडर बनाएं और 30 ग्राम इसमें पीपलें डालें जो किचन में आपके गरम मसालों में होती हैं, इसका 1 चम्मच सुबह निहार मुँह लिया करिए गर्म पानी के साथ, और शाम को भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, लेकिन दिन में गर्म पानी 5 बार पिया करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी चंडीगढ़ से अगले कॉलर हैं तिवारी जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार बोलिए। वो हमारी वाइफ एक बार सुबह 5 पैसे गिर गई थी, तो उसका कमर वो शरीर में सोच जाता है, तो वो कमर में दर्द में होता है, तो उसके लिए कोई भी दवा जो है तो आप हमको बता दीजिए। जी मैं दवा कराया हूँ बहुत, लेकिन फायदा ही नहीं होता है। ठीक ठीक है, देखिए मैं उनको दवा ही बताता हूँ, क्योंकि आप बुजुर्ग आदमी हैं और काफ़ी तकलीफ में हैं आपकी घर वाली, तो कैप्सूल, साल हो गया है। हाँ कैप्सूल टी केयर दें उन्हें, कैप्सूल टी केयर सुबह और शाम नाश्ते और खाने के पश्चात दिया करें, और अगर 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने लगातार देना, और उनको वज़न मत उठाने देना, और वेस्टर्न टॉयलेट अगर घर में हो तो जल्दी ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, जैतून के सिरके की बात की जाती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी और बहुत बेहतरीन इलाज भी इसका देखा जा रहा है। जो रोगी हैं वो तो इनका सेवन करे ही करे, लेकिन अगर कोई निरोगी है तो क्या वो भी जैतून के सिरके का इस्तेमाल कर सकता है? हाँ देखिए अच्छी बात कही, ये ताकतवर जी चीज़ है और विटामिन सी का खजाना है, और ये रोग मुक्त जिनको जीवन जीना है
वो अपने खाने के साथ एक दो चम्मच वैसे ही यूज़ किया करें और आप देखेंगे कि आपको रोग होने ही बंद हो गए। काफ़ी सारे रोगों का ये होने ही नहीं देती और पेट ठीक रखता है, और जो लोग इसे रोज़ाना ले तो वो डायबिटीज़ नहीं होने देता, क्योंकि डायबिटीज़ का ही दुश्मन है और पैनक्रियास को पावर देता है ताकि वो डायबिटीज़ ना हो और अपना वो काम ठीक तरह से करते रहे। जयपुर से हमारे साथ स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी बताइए, नाम बताइए और सवाल बताइए। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, नैनीताल से। ठीक है, नैनीताल जयपुर में है क्या? नहीं नहीं, नैनीताल हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। जी जी, जी। अच्छा अच्छा, नहीं इन्होंने कहा कि जयपुर से बोल रहे, माफ कीजिए। नहीं, नहीं, नहीं। बताइए। उत्तराखंड। हाँ सर। जी जी बताइए। मैं हकीम साहब से बात करना चाहता था, जो सीबीटी टीवी में दिखाई दे रहे हैं ना। जी जी, मैं वही तो हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते हैं। आदाब। वही बोल रही हूँ। आदाब करूँ तब पहचानेंगे क्या? नमस्कार सर। नमस्कार। जी बताइए बताइए। सर अभी ये ऐसा है, बच्चों में हमारे बच्चों का उसमें वो ये हाथ में पसीना आता है साहब ज्यादा है तो। अच्छा। हाँ तो क्या, लिखने में पसीना ज्यादा आता है और दूसरा जो ये सर्दी जुकाम हो जाता है इनको, बच्चों को सर्दी जुकाम। ठीक है, कितना बच्चा है उम्र का? उम्र है इसकी 13 साल। 23 साल। 13 13 13। 13 साल। अच्छा, छोटे ही बच्चे हैं आपके। हमारे बच्चे तो हमसे भी बड़े हो गए। तो देखिए, ये जो नज़ला खांसी है ये इस वक्त बहुत ख़तरनाक है और इसको आप सीरियस लें और इसका पूरा इलाज करें, और जिसको नहीं भी है वो भी ये नुस्खा ले सकता है। नुस्खा बहुत आसान है, दवा भी मैं बताऊंगा कि लिसोड़ा, उन्नाव, अलसी 100 100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और इसमें 20 ग्राम या 30 ग्राम पीपले मिलाकर पाउडर बना के एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम गर्म पानी से दिया करें, और खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें। बच्चा छोटा है तो बाहर की चीज़ें बहुत खाता होगा, जितना कम खाएगा इतना फ़ायदे में रहेगा। लेकिन यूनानी में इसका बाकायदा इलाज है, अगर 5 6 महीने इलाज किया जाए तो माजून आर केयर भी ले सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर हरियाणा से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। जी नाम बताइए अपना। संजय नाम। जी जी संजय जी, सवाल आपका। संजय। संजय जी बताइए। संजय दत्त साहब बताइए, बोलिए सवाल करिए। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, फरमाइए क्या सवाल है संजय भाई? आप नहीं बता रहे हैं। हेलो। जी बताइए, बोलिए तो सही। ये नाइट फॉल के लिए टुकड़ा था। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। कोई भी बच्चा या बच्ची को नाइट फॉल डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज होता है तो शर्माए नहीं, और अगर ऑन एयर बात नहीं कर सकते तो हेल्पलाइन नंबर पर, जैसे अभी तो लाइव बात हो रही है, हेल्पलाइन नंबर पर आप डॉक्टर से, मेल डॉक्टर से, या कोई फीमेल हो वो फीमेल डॉक्टर से ही बात कर सकते हैं। ये रुकना चाहिए, इससे जिस्म में बहुत कमज़ोरी आती है और शबाब चला जाता है, आदमी जवानी में बुढ़ा लगने लगता है, और मर्दाना कमज़ोरी होती है, फिर शादी के वक्त बहुत परेशानी होती है, अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं और ससुराल वाले रूट जाते हैं। तो एक गोंद आता है, गोंद मोरिंगा, आधा ग्राम पानी या दूध में मिलाकर रोज़ाना एक बार खा लिया करें, कुछ दिन खाएंगे तो ऐसे बच्चे बच्चियों का ठीक होना मुमकिन है। जी